सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के जो नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर थ्री के नंबर, चलिए फटाफट से देखते हैं और कैसा इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी टाइम तो आपने देख लिया होगा, अभी 5-4 मिनट हुई रिजल्ट आए हुए और स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट है आखिरकार वो कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी हम डिस्कस करेंगे स्टैंड लोन रिजल्ट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है, ये आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला, भाई अब की बार जो टोटल इनकम हुई वो है 14,096 करोड़ की, जहाँ 14,096 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 13,507 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,946 करोड़ की। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में जंप और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकम में जंप और 9 मंथ एंडेड में भी आप लोग देखोगे इनकम में काफ़ी शानदार जंप है। तो इनकम ओवरऑल काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद अगर बात करें एक्सपेंस को लेकर, यानी जो खर्चे किए हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी लगभग 9,529 करोड़ प्रीवियस में क्या थे 8,897 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,097 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस में जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंस में जंप है, बट रिवेन्यू एक्सपेंस से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं अभी प्रोविजन, जो प्रोविजन हमें देखने को मिल रही है 579 करोड़ के आसपास, प्रीवियस में क्या थी 366 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 148 करोड़। तो प्रोविजन अब की बार और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुई है। तो अब की बार जो प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं वो क्या है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो 3,005 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 3,190 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,791 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स में आप लोग देखो हल्का फुल्का गिरावट आती हुई नजर आई है, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट दिया है भाई, और 9 मंथ एंडेड में भी आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में जंप है जबरदस्त। और देखो भाई ये मैंने आपको नंबर्स बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर देखने, ठीक है, लोन बुक है और कुछ है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखो इतना टाइम नहीं है। तो इसके बाद आप लोग देखो भाई यहाँ पर जो ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है यानी अर्निंग पर शेयर, तो वो क्या है भी वो अब की बार है 15 रुपये के आसपास का, ठीक है, 15.52, 15.12 और 16.6 प्रीवियस में था और अब की बार प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14.6। तो ये इसका ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। अगर बात करें भी नेट एनपीएच की, तो नेट एनपीएच आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कैसा है, अब की बार 1,225 करोड़ जबकि प्रीवियस में 1,274 करोड़ था, तो प्रीवियस क्वार्टर से डिक्रीज हुआ है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,344 करोड़, तो वहाँ से भी डिक्रीज हुआ है। तो एनपीएच में गिरावट आई है भाई, ये जबरदस्त चीज़ें एक अच्छी बात है। तो ये इसके रिजल्ट्स है भाई, और बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके जो ये नोट्स है ना इन्हें देख सकते हो, रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह आप लोग डिटेल में देख लेना भाई, और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग देखो भी एनएससी बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, फिर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको जो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये नोट्स है ना इन्हें डिटेल में पढ़ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।